हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। निखिल भाई बोलो। हेलो गाइस, अब हम लोग यहाँ अरगोड़ा स्टेशन आए हैं। आज यहाँ ब्लॉग शूट करेंगे और फिर चलेंगे आगे। देख सकते हैं गाइस, अरगोड़ा स्टेशन का व्यू। गाइस ट्रेन आ रही है, पता नहीं गाइस ये अरगोड़ा स्टेशन है या फिर क्या है। यहाँ पे तो स्टेशन नाम का चीज़ लिखा हुआ नहीं है, बट ये अरगोड़ा स्टेशन है सब बोलते हैं। यही एक रूट है यहाँ पे जिससे हम लोग आगे का रास्ता जा सकते हैं। यहाँ पे काफ़ी नौटंकी बाज लोग भी हैं। और ये देखिए गाइस, थोड़े से भीड़ इकट्ठा होने चालू हो चुकी है, क्योंकि गाइस आगे देख सकते हैं अब रेलवे स्टेशन ख़त्म होने वाला है। गाइस निखिल भड़वा है साबित हो गया। एक बकरी, अरे जिसका दूध भी है ना। देखिए गाइस यहाँ के पब्लिक को, भले पब्लिक है नहीं तब भी आप देख सकते हैं, ना चाहते हुए भी देख सकते हैं, ऐसा निखिल बोल रहा है। गाइस सब पटरी पटरी आ रहा है तो निखिल को प्रॉब्लम हो रहा है। कहाँ निखिल गाने में हो रहा था। हम लोग निखिल का प्रॉब्लम को सॉल्व करके आगे बढ़ते हैं। रेलवे स्टेशन अब ख़त्म होने वाला है। अरगोड़ा स्टेशन को बाई बोलते हैं और हम लोग आर के नर्सिंग होम के साइड चलते हैं। गाइस गाइस आप देख सकते हैं हम लोग यहाँ से जा रहे हैं और एक ट्रेन आ चुकी है। गाइस हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और यहाँ पता नहीं मार्केट या फिर कुछ है, हमें इतना नॉलेज नहीं है यहाँ पर के बारे में। और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम लोग यहाँ पे घूमने आए थे निखिल के साथ और कुछ कुछ देखने भी आए थे बट देख नहीं पाए किसी कारण से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। साथ में क्या करेंगे निखिल? और कुछ खाएंगे गाइस। घुसड़ी गई इधर से। गाइस निखिल को कुछ देखने का मन कर रहा है, समझ रहे हो। गाइस फाइनली हम लोग मार्केट पहुंच गए हैं और हम लोग यहां से पार हो रहे हैं, मतलब क्रॉस कर रहे हैं यहां से। और गाइस ये ग्राउंड प्लेग्राउंड कुछ है निखिल। वो देखिए गाइस ब्यूटीफुल गर्ल फोन में दिवा रही है। और हम लोग अभी चलते हैं मार्केट से आगे कडरू मंदिर पे और हम लोग यहां से अभी चल रहे हैं ब्लॉग बनाते हुए। और गाइस यहाँ पर कुछ कुछ सेमड़िया दिख रही है ना निखिल, दिख रही है ना। गाइस हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। आज पैदल हैं क्योंकि बाइक लेके आए हुए नहीं थे, क्योंकि घूमने के लिए गए हुए थे हम लोग और घूम के अभी जस्ट रिटर्न हुए हैं। और हम लोग चल रहे हैं आर के नर्सिंग होम के साइड। देखिएगा इस दीदी को और भैया को। गाइस हम लोग कटरू चौक पहुँच चुके हैं और यहाँ पर बजरंग दल का झंडा गपचाया हुआ है और हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए चल रहे हैं। हमारे साइज की ब्यूटी है, आप मत देखने लग जाइएगा क्योंकि आपका साइज और हमारा साइज में काफ़ी फ़र्क है। हो गया तो ये देख सकते हैं गाइस ऊपर का व्यू। गाइस अब हम लोग आ चुके हैं गुपचुप खाने के लिए। भैया से गुपचुप खाएंगे, ठीक है गुपचुप। ठीक है गाइस हम लोग खा के फिर से मिलते हैं आपसे। गाइस अब हम लोग यहाँ से निकलते हैं, अंकल से थोड़ा सा बात कर रहे थे इसके चलते रुक गए थे। अब हम लोग यहाँ से चलते हैं आगे की ओर। रोड पार होते हैं लड़की तो दिखी ना तुमको और आगे से तीन तीन लड़की आ रही है। बस कोई एक क्यूट भी लगनी चाहिए, बट बहुत कम ही चांस है कि लड़कियाँ क्यूट लगती है। इतना शाम में लड़कियाँ लोग आ रही है पता नहीं क्यों। गाइस हम लोग मार्केट आ चुके हैं और मार्केट से जो सामान लेना था हम लोग ले चुके हैं और अभी हम लोग यहाँ से निकलते हैं मार्केट से अपने रूम के तरफ। गाइस निखिल को केला खाना है। गाइस यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस भी है और हम लोग चलते हैं इधर आगे की तरफ। भैया जी गाड़ी में बैठे हुए आराम से। ये देखिए गाइस पुलिस अंकल। और अब हम लोग यहाँ से चलते हैं। गाइस ये देख सकते हैं यहाँ पे चना मिलता है। गाइस ये देख सकते हैं हम लोग आ चुके हैं। गाइस हम लोग यहाँ चना बनवाने के लिए आए हैं और अभी चना बनवाते हैं लेते हैं और अब चलते हैं यहाँ से। और ये देखिए गाइस नारियल, आप चाहें तो जूस पी सकते हैं पर पीजिएगा मत, अच्छा सर्दी लग जाएगा ना निखिल, क्योंकि निखिल को सर्दी लगा हुआ है। ओके गाइस हम लोग पहुंच चुके हैं अपने घर वाले रोड पे और ब्लॉग हमारा काफ़ी लंबा हो चुका है, इसी चलते अपने ब्लॉग को यहीं पे बंद करते हैं। और ये रहा गाइस आर के नर्सिंग होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।